हिमाचल में होने वाले 6 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने दिल्ली में बैठक कर संभावित कैंडिडेट के नाम शॉर्टलिस्ट की। 13 अप्रैल को लोकसभा कैंडिडेट के साथ ही उपचुनाव के कैंडिडेटों के नामों की घोषणा हो सकती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में 13 अप्रैल को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित है। विधानसभा उपचुनाव के लिए कुटलेहर से विवेक शर्मा, धर्मशाला से देवेंद्र जग्गी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। बड़सर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक मंजीत सिंह डोगरा और गगरेट से राकेश कालिया को कैंडिडेट बनाया जा सकता है। गगरेट से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप कुमार और रमन जसवाल के नाम की भी चर्चा है। बड़सर से ज्ञानचंद और संजीव शर्मा का नाम भी पैनल में है। सुजानपुर से कांगड़ा सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, नरेश ठाकुर और रविंदर वर्मा का नाम पैनल में है। बीजेपी की जयराम सरकार में मंत्री रहे रामलाल मारकंडा को लाहौल स्पीति से कांग्रेस कैंडिडेट बनाने के लिए पार्टी नेताओं में एक राय नहीं बन रही। ब्लॉक कांग्रेस में बीजेपी से नेता को शामिल कर कांग्रेस का टिकट देने का विरोध किया है। लाहौल स्पीति से कांग्रेस नेताओं के कई प्रतिनिधिमंडलों ने भी बीते दिनों सीएम सुक्खू से मुलाकात कर अपना विरोध दर्ज कराया है। स्थानीय नेताओं ने कांग्रेस से जुड़े नेता को ही कैंडिडेट बनाने का प्रस्ताव रखा है। ऐसे में लाहौल स्पीति से पूर्व विधायक रघुवीर सिंह, जिला परिषद सदस्य अनुराधा राणा और युवा नेता दोरजे लारजे के नाम पर चर्चा की गई। ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों और सर्वे रिपोर्ट से मिले नामों को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी ने मंथन किया। बीते दिनों दिल्ली में हुई समन्वय समिति और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में लोकसभा कैंडिडेटों के नाम तय करने के साथ ही विधानसभा उपचुनाव के कैंडिडेटों को लेकर चर्चा की थी। बैठक में प्रदेश कांग्रेस से और से कुछ सीटों पर कैंडिडेटों को लेकर सहमति बनाते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के नाम लेने और सर्वे करवाने का फैसला हुआ था। इसके बाद ही पूर्व रेल राज्य मंत्री भक्त चरण दास की अध्यक्षता में हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में संभावित कैंडिडेटों के नामों को पैनल तैयार कर केंद्रीय चुनाव समिति को भेजने का फैसला लिया। अब 13 अप्रैल को एक साथ लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए कैंडिडेटों की घोषणा हो सकती है। इस बैठक के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी कल यानी शुक्रवार को दिल्ली में होंगे।